हेलो डियर, तो जैसा कि आपको पता है कि आप ये वेबसाइट देख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये क्यों ओपन किया हूँ। तो इसके पीछे बड़ा अपडेट है, चलिए वो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपडेट ये है कि माय डियर, आपको पता होगा कि आप जो है इस MCRC यानी महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, इसमें स्टाफ नर्स की बहाली आई थी। वो बहाली कहाँ पर है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अनाउंसमेंट में जाइए, करियर सेक्शन में जाइए। ठीक है, और इसमें आने के बाद आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ए वाला बहाली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बहाली आई थी 16/5 वाला, यहाँ पे बहाली, ठीक है, पाँचवा महीना इसी 2024 में बहाली एक आई थी 16/5 में। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसको बहुत सारे अदर बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट में बहाली आई थी, बट इस पोस्ट के बारे में एक अभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या आया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। ठीक, तो उसमें बात कुछ ऐसा है कि बहुत सारे पोस्टों पर बहाली आई थी। इसमें जब आप नीचे देखे होंगे, तो आप लोग जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, तो इसमें एक बहाली जो है आपके स्टाफ नर्स के लिए था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 24 नंबर में स्टाफ नर्स BSc नर्सिंग GNM, BSc नर्सिंग के लिए 27,000 मंथली और GNM के लिए 25,000 मंथली, ऐसे कुछ करके बहाली आई थी। अब आप कह रहे हैं कि अभी मैं क्यों बताया, अभी तो ये बहुत पहले बहाली आकर ख़त्म हो चुका है डेट, बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस ये आया है माय डियर कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ठीक है, उसके बाद उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि उनको जो है रिटेन टेस्ट के लिए जो है उनके पास मैसेज जो है या कॉल जो है जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि कब से जो है उनका, बहुत लोग जो है बता रहे हैं कि मेरा 31 जुलाई को है, 31 जुलाई को है। ठीक है, कोई बता रहे हैं कि मेरे को 11 से है, कोई बता रहे हैं कि मेरे को 1 बजे से है, कोई बता रहे हैं मेरे को 3 बजे से है। मतलब एक दिन में जो है बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उन लोगों को पता हो जाए जो लोग के पास अभी तक मैसेज नहीं गया है, जिन लोग के पास अभी कोई जो है ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं गया है, ताकि उनको पता हो कि हाँ मेरा जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, जो लोग मेरे पास मैसेज किए बताएं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये बताया कि अभी ज़्यादातर मेरे संपर्क में जो है वो BSc नर्सिंग वाले के लिए ही आ रहा है। ठीक है, अभी तक BSc नर्सिंग वाले के लिए ही जो है मैसेज या जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको मिल रही है, यानी GNM वालों के लिए जो है अभी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जो है उनको एग्ज़ाम को लेकर उनको नहीं जा रहा है मैसेज। तो अभी BSc नर्सिंग के लिए है, जो भी BSc नर्सिंग वाले हैं अप्लाई किए थे इसमें महावीर कैंसर संस्थान पटना में, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 31 से। अब 31 से कई दिन चलेगा ये आप जो है, जो मैंने अभी वेबसाइट दिखाया, उस वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं कि कब से एग्ज़ाम है और कब कब एग्ज़ाम है। ठीक है, अगर आपके BSc से अप्लाई किए हैं और अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो सबसे पहली बात है, अगर आप कंप्लीट फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन लगाए होंगे, तभी जो है आपको मैसेज आ सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं मांगता है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन मिस किए होंगे, तो आपको जो है हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए ना जाए। ओके, विदाउट कोई रुपया का, बगैर किसी फी का यह फॉर्म डालना था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और आप लोग को पता है बहुत सारे लोगों ने डाला है। तो आपका रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम कोई हाई ज़्यादा लेवल का जो है होगा नहीं, तो इस हिसाब से जो अच्छे तैयारी किए होंगे उनको जो है जॉब होने की संभावना बहुत अच्छा है। और पटना में रहते हुए अगर आपको 27,000 के मंथली अगर आपको मिल रहा है, तो यह सपने में सुहागा जैसे वाली बात है। 27,000 मंथली कम नहीं होता है, तो इस हिसाब से आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है अभी कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या है नहीं है, और आप BSc नर्सिंग से है, तो आप ज़रूर एक बार संपर्क करके खुद से पूछ सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब से है। ओके, तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और आपका जो है यहाँ पे अच्छे से आप जो है सिलेक्शन लीजिए, और सरकारी के बाद अगर किसी का नाम आता है
तो यही संस्था का नाम आएगा, ठीक है ना, जो कि एक ट्रस्ट वाला संस्थान है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है इसमें जॉब कर सकते हैं, जब तक सरकारी ना हो तब तक आपके लिए एक बेहतर भविष्य के रूप में ये आपको एक दे सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, आप अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सहित भेजे थे तो आपको ज़रूर जो है आएगा इन्फॉर्मेशन, और अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा, या खुद से भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मैं बीएससी नर्सिंग से हूँ, मेरा कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। रही बात जीएनएम की, तो जो लोग जीएनएम से अप्लाई किए हैं, बहुत जल्दी मैं जानकारी लेकर आपको बताऊंगा कि जीएनएम का जो है क्या अपडेट है, क्या कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग से विदा लेते हैं, और भी कोई अपडेट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, धन्यवाद।